को भी। सबसे पहले आप सभी को आज सुबह का सुप्रभात। मेरा नाम है शिवानी सिंह, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है बेटी बचाओ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक लड़की के बिना एक लड़का इस संसार में कभी जन्म नहीं ले सकता, तो फिर लोग क्यों महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बहुत से हिंसा करते हैं। वास्तव में लड़कियां समाज का आधार है। हम बहुत से त्योहारों पर विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं, जबकि अपने घरों में रह रही महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी दया महसूस नहीं करते। लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही उनके माँ के गर्भ में उन्हें मार दिया जाता है। वो ये नहीं जानते कि एक छोटी बच्ची ही बहुत अच्छी बेटी, बहन, पत्नी, माँ और भविष्य में और भी रिश्तों का आधार बन सकती है। यदि हम उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देंगे, तो फिर हम भविष्य में कैसे एक बेटी, बहन, पत्नी या माँ को प्राप्त कर सकेंगे। बेटियों को बचाने के लिए सबसे पहले माता पिता के सोच को बदलना ही पहली जरूरत है। चाहे वो बेटा हो या बेटी, माता पिता की ये सकारात्मक सोच ही है जो कि पूरे भारत में समाज को बदल सकती है। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप सभी स्वयं को बेटी बचाओ अभियान में शामिल करें। एक लड़की बेटा और बेटी के बीच होते भेदभाव के प्रति अपना भाव कुछ इस तरह प्रकट करती है। बेटी चलती है तो कहते हो छोटे कपड़े पहन कर मत जाओ, पर बेटे से क्यों नहीं कहते हो कि नजरों में गंदगी मत लाओ। बेटी से कहते हो कि कभी भी घर की इज्जत खराब मत करना, पर बेटे से क्यों नहीं कहते हो कि किसी के भी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। हर वक्त रखते हो नजर बेटी के फोन पर, पर ये भी तो देखो कि बेटा क्या करता है इंटरनेट पर। किसी लड़के से बातें करते देखकर जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। बेटा घूमे गर्लफ्रेंड के साथ तो कहते हो अरे बेटा बड़ा हो गया। बेटी अगर अपने दोस्त से भी बात करे तो कहते हो बेशरम हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। पहले सोचकर घर से बंद करो, तब शिकायत करना समाज से। हर बेटे से कहो कि हर बेटी की इज्जत करे आज से। खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की। पर जब बेटी पैदा होती क्यों चेहरा कुंभला जाता है, क्यों मानव सा छा जाता है। लड़की भी तो बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती है, देश किसान बढ़ा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू।